हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम आए हैं हमारे सेकेंड सीकेशन के लिए और इस बार हमें इनवाइट किया है इंडिया के लार्जेस्ट क्रूज ने, जिसका नाम है कोस्टा सिरेना। सो गाइज, अभी हम लोग है डेक एरिया में और हम लोगों ने शिप बोर्ड कर लिया है। आगे जाके रूम भी बताएंगे, बट अभी काफी अच्छा सनसेट हो रहा है, उसके लिए हम लोग डेक एरिया पे आ गए। हम लोग है मुंबई का इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। तो आपको अगर यहाँ पे आना है तो आपको ऑल द वे कोलाबा आना पड़ेगा। ग्रीन गेट जो है ना, वहाँ से सारे इंटरनेशनल क्रूजेस जाते हैं। कॉर्डिला का भी सेम जगह से आता है और कोस्टा का भी सेम जगह से बोर्डिंग है। और हम आए थे दोपहर को 1:30 बजे और हमारा जो बोर्डिंग है वो कम्प्लीट हुआ 3:30 बजे के आसपास। और सिंस इनका फर्स्ट टाइम है तो ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि हम लोग जब कॉर्डिला गए थे तो हम लोग का आई गेस 45 मिनट्स में पूरा बोर्डिंग प्रोसेस हो गया था। सो गाइस, ये जो हम लोग का क्रूज है वो है मुंबई गोवा मुंबई, ये 3 नाइट्स का है। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये शिप को एक्चुअली एक्सप्लोर करने के लिए। गोवा तो हम लोग काफी बार गए, बट क्रूज में नहीं गए। क्रूज में हमारा फर्स्ट टाइम जाने के लिए। यस, तो हम लोग का वहाँ पे भी डिसएम्बार्केशन है। हम लोग वहाँ पे नीचे उतर के गोवा को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, बट देखते हैं अभी उधर तक पहुँचने तक का सफर कैसा रहता है और यहाँ पे हम लोग को क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। और ये जो है ये एकदम टॉप वाला अभी डेक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सारा कुछ लगा है, सब फ्लैग्स है यहाँ पे। वेलकम टू आवर होम स्वीट होम गाइस फॉर नेक्स्ट 3 डेज। फर्स्ट इम्प्रेशन काफी अच्छा है, सो लेट मी वॉक यू थ्रू। सो स्टार्ट करते हैं एंट्रेंस से। ये हमारा एंट्रेंस एरिया है और यहाँ पे प्रॉपर 3 डोर कबर्ड्स है। ये साइड में, मतलब फर्स्ट डोर में, उन्होंने सेफ्टी जैकेट्स दिए हुए हैं और हैंगर्स है बहुत सारे, काफी स्पेशियस है। मतलब आप लंबे टूर के लिए भी जा रहे हो तो आपका सारा सामान यहाँ पर आ जाएगा। उसके ही साइड में है ये डेस्क जहाँ पे बैठ के आप काम कर सकते हो। बड़ा सा मिरर है, यहाँ पे रेडी हो सकते हो। फिर अगेन बहुत सारे यहाँ पे ड्रॉवर्स है जहाँ पे आप सामान रख सकते हो। हेयर ड्रायर भी उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पे है रेफ्रिजरेटर, लेट्स सी अंदर कुछ है या नहीं। नहीं, अंदर कुछ नहीं है। यहाँ पे है सेफ, अगेन यहाँ पे मिरर है रेडी होने के लिए। यहाँ पे फिर से नीचे ड्रॉर्स है। ये है हमारा किंग साइज का बेड, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। बेड के दोनों साइड पे टेबल लैंप्स है, स्विच है यहाँ से, ये मास्टर स्विच है, यहाँ से आप सारे लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हो। बेड के ठीक दूसरे साइड पे है सोफा और अगेन सोफा के नीचे और भी ज्यादा स्टोरेज है। सो गाइस, ये है बाथरूम। आपको दिखने में थोड़ा सा छोटा लगेगा बट मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। बहुत सारे शेल्व्स रखे तो आपका सामान जो है वो सारा अच्छे से फिट हो जाएगा। यहाँ पे टॉयलेटरीज में वो लोग सिर्फ सोप देते हैं। अगर आपका स्पेसिफिक शैम्पूज वगैरह रहेगा तो आपको कैरी करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ सिंस ये इटालियन क्रूज है तो यहाँ पे आपको जेट स्प्रे नहीं मिलेगा। पोर्टेबल जेट स्प्रे कैरी किया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इनकेस आपको चाहिए रहेगा तो। और इस रूम का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा ये बालकनी, और यहाँ से जो हम नेक्स्ट 3 डेज के लिए व्यू देखने वाले हैं। So, अभी तो फिलहाल हमारा शिप सेल करना स्टार्ट नहीं किया है तो इसलिए फिलहाल हमें मुंबई का व्यू दिख रहा है। यहाँ से सनसेट जस्ट होने ही वाला है, बट व्यू इतना बुरा भी नहीं, बहुत प्यारा है। इनफैक्ट मुझे ताज होटल दिख रहा है यहाँ से और फोर्ट एरिया के जो भी बिल्डिंग्स है वो सारे दिख रहे हैं। ये एक्सपीरियंस करने के लिए हम दोनों भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और ये सब के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उन्होंने ये की कार्ड रखा है। ये बेसिकली आपका क्रूज के दौरान डेबिट क्रेडिट कार्ड की तरह वर्क करेगा। इससे आप रूम भी एक्सेस कर सकते हो और इनकेस अगर आपको शिप पे कुछ खरीदना है तो आपको ये कार्ड यूज़ करना है। अभी हम लोग का जस्ट सेफ्टी ड्रिल हुआ, तो सेफ्टी ड्रिल में वो लोग बताते हैं आपको कि ये लाइफ जैकेट कैसा पहनना है। तो हर एक के रूम में ऐसे जितने लोग हैं उतने लाइफ जैकेट रखे हैं और ये आपके हर एक के लाइफ जैकेट पे उनका मस्टर स्टेशन लिखा हुआ। तो हमारा मस्टर स्टेशन भी था तो हम वहाँ गए। सो जो डेक 9 के एरिया में पूल है उसके ही साइड में पूरा बार एरिया है, तो आप वहाँ पे मॉकटेल और कॉकटेल ले सकते हो। डिपेंड करता है आपका पैकेज कौन सा है। हमारे पैकेज में ड्रिंक्स इंक्लूडेड है, अनलिमिटेड। ये आज के इवेंट्स है सारे। Oh,
पे बहुत सारा एंटरटेनमेंट है, बहुत सारे शोज है. अब भी फिलहाल हम डेक 3 पे थे तो वहाँ पे लाइव म्यूजिक था, बहुत अच्छे अच्छे गाने बज रहे थे और सामने ही बार था तो आप ड्रिंक्स भी एंजॉय कर सकते हो, वहाँ पे कॉफ़ी भी मिलता है. अभी डीजे स्टार्ट हुआ है जस्ट वहाँ पे, बट हम आए थिएटर में क्योंकि 7:45 का शो है. तो लेट्स सी क्या है थिएटर में आज शो. गुड मॉर्निंग गाइज, आज डे 2 है. कल हम लोगों ने रेस्टोरेंट में, कौन से वाले रेस्टोरेंट में डिनर किया? रेस्टोरेंट का नाम आई थिंक वेस्टा है, वो डेक 3 पे ही है. वहाँ पे हम लोगों ने इटालियन फूड खाया. उसके बाद में हम लोगों ने एक्चुअली ज़्यादा व्लॉग नहीं किया क्योंकि कल रात को शिप सेल ही नहीं हुआ, बहुत लेट सेल हुआ, हम लोगों को पता भी नहीं है. हम लोग आई गेस 11:30-12 बजे तक सो गए थे, तब तक सेल नहीं हुआ था, थोड़ा लेट हुआ था. बट अभी हम लोग जब सुबह उठे तो व्यू अमेजिंग था. और अभी हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट करने डेक 9. और बाय द वे गाइस, यहाँ पे जैन फूड भी है, उसका अलग से काउंटर है साइड में. डेक 5 पे शॉप्स भी है जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो और सारे लग्जरी ब्रांड्स हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स है, फिर कोच जाने के वहाँ पे आपको बैग्स वगैरह मिलते हैं, लग्जरी बैग्स. तो ये सारे ब्रांड्स यहाँ पर है शॉपिंग के लिए, बट अभी तक ओपन नहीं हुआ है. आई थिंक बहुत जल्द ओपन होंगे, काम शुरू है अभी भी. तो यहाँ पे ना डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, हर एक्टिविटी का टाइमिंग शेड्यूल और डिटेल्स आपके रूम में जो न्यूज़लेटर आता है एवरीडे नया आता है उसमें सारे डिटेल्स होते हैं. तो अभी फिलहाल हम लोग डेक 5 के एक सीरीज़ रेस्टोरेंट में आए थे, सालसा या जुम्बा का ये चल रहा है, सेशन चल रहा है, फिर एनर्जेटिक लग रहा था. और उसी के ठीक पास में एकदम क्यूट सा डेजर्ट बार है, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ आइसक्रीम्स और मैकरून्स और डेजर्ट्स है. ये वीडियो गेम्स आर्केड है. ये वाला एरिया बहुत सही है क्योंकि एकदम ऐसा स्ट्रेट पाथवे है और आपको पूरा सी का व्यू है. इनके साथ अगर आपके रूम में अगर बालकनी नहीं है ना तो काफ़ी अच्छा प्लेस है, और अगर आपको इवनिंग के लिए ऐसे वॉक के लिए भी आना है तो काफ़ी अच्छा प्लेस है. फोटोज़ क्लिक करने के लिए भी काफ़ी अच्छा प्लेस है, हम लोगों ने काफ़ी फ़ोटोज़ क्लिक किया है. और यहाँ पे सारे वो लाइफ बोट्स है, ये जो आप सारा देख रहे हो ना वो सारा लाइफ बोट्स है. डेक 9 पे भी बूफे है, वो ज़्यादा पॉपुलर है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जाते हैं. बट ये है सेरेस रेस्टोरेंट, यहाँ पे भी बूफे है. ये थोड़ा सा आपको घूम के आना पड़ेगा 5th फ्लोर से नीचे आके, बट यहाँ पे भी फूड काफ़ी अच्छा. और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि सिंस थोड़े कम लोगों को पता है तो यहाँ पे कम लोग है, तो यहाँ पे भी आपको वेज, नॉन वेज, जैन सब कुछ मिल जाता है. किचन ने लिया सारा वेज और कुछ मैंने यहाँ पे डेजर्ट जैसा लिया है, बहुत अच्छे लग रहे हैं. फ्रूट्स है और मैंने चिकन लिया है और भेल भी है यहाँ पे, तो भेल भी लिया है और राइस और चपाती. और ना एक और चीज़, गुजराती फूड काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे शिप में ना ये वाले क्रूज में बहुत सारे गुजराती है, तो आपको कढ़ी चावल, भजी, मतलब भजिया वगैरह वो सारी चीज़ें मिल रही है. फूड काफ़ी अच्छा था और हाईलाइट ना सबसे बड़ा यहाँ का भेल का काउंटर था, इतना ज़्यादा भीड़ था, सब भेल खाने के लिए रुके हुए थे. तो शिप के एकदम एंड में ना 9th डेक पे आपको यहाँ पे किड्स पूल भी दिखेगा और ये इंडोर भी है, तो अगर आप बच्चों के साथ यहाँ पे आओगे तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे करने के लिए, प्लस यहाँ पे कैफे और बार भी है. एकदम लास्ट में अपन शिप के, बट ये लास्ट वाला मस्त लगता है मुझे, इसका ट्रेल दिखता है पूरा शिप का. अगर आपको रिलैक्स करना है ना तो हम दोनों क्रूज एक्सपीरियंस हाईली रिकमेंड करेंगे क्योंकि आप मिडल ऑफ द ओशन होते हो, आपको बाहर की दुनिया के बारे में उतने दिन के लिए ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता क्योंकि इन अ वे आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, नेटवर्क बहुत लिमिटेड होता है. अभी ये देखिए ना हम लोग यहाँ पे डेक पे, और ये देखिए पीछे
इन्फिनिटी व्यू है पूरा, बहुत ज़्यादा पीसफुल एक्सपीरियंस है। और एक चीज़ ऐसी अच्छी है कि आप अगर फैमिली के साथ भी आ रहे हो तो आपको किधर ऐसा बार बार बाहर नहीं जाना है, आपको शिप पे ही घूमना है। तो अगर आपको कोई ऐसा एक कंफर्टेबल स्पॉट मिल गया ना शिप पे जहाँ पे आप एंजॉय करते हो, आप अगर बार बार वहाँ पे भी जाओगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। सलोन है सो यहाँ पे फुल्ली इक्विप्ड जिम है, आप यहाँ पे जिम कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, और यहाँ पे ट्रेडमिल है व्यू के साथ। अभी एक्चुअली हम लोग पैसे लोड करने आए हमारे कार्ड में क्योंकि हमें आइसक्रीम खाना है। हाँ, यहाँ पे ऊपर जो आइसक्रीम है वो अच्छा लग रहा है ना, जो कि हमारे पैकेज में इंक्लूडेड नहीं, नहीं है, और आपको दिखा भी देते कि कैसा प्रोसेस है इसका। Do you accept Indian rupees or only card? No, we only have credit card or the American US dollar. कार्ड को एक्टिवेट करने का कोई भी मिनिमम अमाउंट नहीं है जो आपका की कार्ड है उसके लिए, बट आपको जो भी अमाउंट लोड करना है वो आप क्रेडिट कार्ड से या फिर कैश में अगर करना है तो आपके पास US डॉलर्स होना चाहिए। यहाँ पे INR में कैश नहीं चलता है। और उसी के साथ साथ वाईफाई अगर एक्टिवेट करना है तो उसके डिफरेंट पैकेजेस है जो आपके रूम में एक पैम्पलेट उन्होंने ऑलरेडी रखा हुआ रहेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजेस है, जैसे हमारे पैकेज में इंक्लूडेड है सोशल मीडिया का पैकेज, तो उसमें बेसिकली आप सारे सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ कर सकते हो, और आई थिंक वो $30 फॉर 3 डेज का पैकेज है। सो गाइज, आप यहाँ पे ना आपके ड्रिंक्स पैकेज में इंक्लूड करके ले सकते हो। तो यहाँ पे मेरे कार्ड पे माई ड्रिंक करके लिखा है तो वो पैकेज इंक्लूडेड है। काफ़ी सारे पैकेजेस है, तो उसमें जो हम लोग का है वो है माई ड्रिंक प्लस। तो उसके अंदर हम लोग को सॉफ्ट ड्रिंक, फिर ड्रिंक एट द बार, कॉकटेल, प्रीमियम ड्रिंक्स और ड्रिंक फ्रॉम द मिनी बार, ये सारा कुछ इंक्लूडेड है। आप अलग भी ले सकते हो जिसके अंदर आपको सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक वाला भी मिलता है। तो इसका जो कॉस्टिंग है सॉफ्ट ड्रिंक वाले का वो है $33, और जो हम लोगों ने लिया है वो है $65, जो कि है पर डे। बट अगर आप ज़्यादा ड्रिंक नहीं करते, आपको दिन में एक या दो ड्रिंक करना है, तो पैकेज सेंस नहीं बनता फिर। थोड़ा क्लाउडी है, क्लाउड थोड़े कम रहते तो बहुत अच्छा सनसेट दिखता था। ऐसा थोड़ा बीच बीच में दिख रहा है, अभी वाइड एंगल उसके लिए ठीक से नहीं दिखेगा, बट वहाँ पे बहुत अच्छा सनसेट हो रहा है। ये बेस्ट पार्ट है, अगर आप ऐसे क्रूज में आते हो तो एकदम अनडिस्टर्ब आपको सनसेट मिलता है देखने के लिए। जो क्लाउड दिख रहे थे किंजल, वहाँ पे जो सन हो रहा है ना, हाँ वो रेड, मतलब अलग टाइप का रेड लग रहा है ना, उसके ऊपर ही रेड है एकदम प्रॉपर। सब लोग यहाँ पे सनसेट देखने के लिए आए और कितने अच्छे फोटोज मिले, मतलब हम लोगों ने ऑब्वियसली सनसेट भी एंजॉय किया है। और सनसेट एक ऐसी चीज़ है ना, कितनी भी बार देखो ऐसा होता नहीं है कि बोर हो रहा है। और मतलब अगर आप टाइम लैप्स और फोटोग्राफी के लिए इंटरेस्टेड हो तो आपको तो जितना सनसेट वाला टाइम मिलेगा कम ही है। तो अभी हम लोग आए वापस ग्लव थिएटर ना, ग्लव थिएटर है तो यहाँ पे बॉलीवुड शो है कोई, तो आज कल हम लोगों ने जो शो देखा वो थोड़ा इटालियन टाइप सा रहा, बट आई गेस बॉलीवुड शो के लिए अभी रश भी बहुत ज़्यादा है। गाइज गुड मॉर्निंग, फाइनली हम गोवा पहुंच चुके हैं, और ये चैनल पे जो सब्सक्राइबर्स बहुत पहले से हमें फॉलो करते हैं उनको ऑलरेडी पता है कि हम दोनों को गोवा कितना ज़्यादा पसंद है, और हम एवरी ईयर आते हैं। और इस बार हम लोग एक्चुअली 15 डेज के लिए आए थे मई मंथ में,
और हमने सोचा था कि ये ईयर में तो भी एटलीस्ट हम फिर से नहीं आएंगे, बट गोवा ने फिर से बुला ही लिया. इट्स गुड टू बी बैक. मतलब हमेशा ही अच्छा लगता है. यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सकर्शंस है, जैसे आप ओल्ड गोवा देख सकते हो, या फिर अगर आपको स्पाइस गार्डन वगैरह देखना है तो वो देख सकते हो. हमें जो एक्सकर्शन मिला है वो है कोलवा बीच का. वैसे हमने ये सारी चीज़ें देख ली है. इनकेस अगर आपको गोवा प्लान करना है, स्पेशली साउथ गोवा, तो हमारे ढेर सारे वीडियोज़ है, उसका प्लेलिस्ट आपको आई बटन पे मिल जाएगा. अभी फिलहाल हम कॉफी एंजॉय कर रहे हैं. यस, और निकलना है जल्दी. हो रहा है अनाउंसमेंट. और बाय द वे, कल रात को यहाँ पर दिवाली पार्टी था, और उसके पहले हमने बॉलीवुड शो देखा जो कि इनक्रेडिबल था. मतलब एनर्जी वहाँ पे जो जिन्होंने भी परफॉर्म किया, वो आर्टिस्ट का एनर्जी लेवल नेक्स्ट लेवल था ना. मतलब मस्ट वॉच शो है वो. और दिवाली पार्टी भी काफ़ी अच्छा था, लेट नाइट तक चला, 12 बजे तक. सो हम लोग ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि बहुत लाउड म्यूजिक था. कितना बड़ा एंकर है. आई गेस कुछ सामान भी अनलोड हो रहा है, क्रेन्स लगाए उन लोगों ने. तो ये सारे हम लोग के बस है, और हर एक ट्रिप अलग अलग जगह पे जा रहा है. ग्रुप डिवाइडेड है, तो हम लोग ये वाले बस में जा रहे हैं. कौन सा भी? कोलवा भी. सो गाइस, हम लोग कोलवा बीच पहुंच चुके हैं, पर बहुत नहीं है, थैंक यू, बहुत ज़्यादा धूप है. और अभी हम लोग का जो गाइड है वो बोल रहा था कि 2 दिन पहले बहुत बारिश गिरा है, तो शैक्स भी बहुत कम है यहाँ पे. एक्चुअली ये साउथ गोवा का सबसे बड़ा बीच है, बड़ा एज इन सबसे हैपनिंग बीच है. जैसे अपना नॉर्थ गोवा का कलंगुट और बागा है, वैसा ये इधर का है. गाइज, ये वाले बीच पे आप काफी सारे वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हो, जैसे कि पैरासेलिंग है, फिर बाद में स्पीड बोट है, बनाना बोट राइड है. काफी अच्छा बीच है एक्चुअली वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए. हाँ, मैं आपको सिर्फ एक चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर आप क्रूज के थ्रू आ रहे हो तो आप मोस्टली दोपहर का होगे, तो अम्ब्रेला अगर आपके साथ रहेगा ना तो कैरी कीजिए. अम्ब्रेला, टॉवल्स और चटाई और सनस्क्रीन भी कैरी कीजिए. यहाँ पे वॉशरूम भी है, इनकेस अगर आपको वॉशरूम जाना रहेगा तो. असली आम. अच्छा, सचमुच आम. हाँ, सचमुच आम जो हम लोग खाते थे, ये अमूल का असली आम है. इसका एग्जैक्टली मैंगो जैसा टेस्ट आता है, बहुत मस्त लगता है. और ये हम लोग सिर्फ गोवा में आते तब भी खाते. पॉम्फ्रेट खाया जा रहा है. अभी हम लोग वापस शिप पे आ गए. गाइस, अगर आप बाहर जा रहे हो तो मेक श्योर कीजिए कि आपके पास हार्ड कॉपी है आधार कार्ड, या फिर लाइसेंस की, या फिर एटलीस्ट सॉफ्ट कॉपी है फ़ोन में. क्योंकि एंटर करते टाइम आपके कार्ड के साथ ये दोनों चीज़ें पूछेंगे, दोनों में से कोई एक चीज़ पूछेंगे. अभी हम लोग जा रहे हैं लंच को, क्योंकि 3:30 को लंच ख़त्म हो जाता है. अभी ऑलमोस्ट 4 बज गए, बट उन्होंने बोला कि आधे घंटे से एक्सटेंड किया, तो देखते हैं अभी लंच में क्या क्या है. सो यूजुअली लंच ऐसा होता है, सलाद है, फिर कुछ यहाँ पे स्टार्टर है, कर्ड वगैरह, पापड़, राइस, सब्जी, चिकन, ब्रेड्स, पास्ता, कुछ डेजर्ट है और फ्रूट्स. क्या लिया तूने? कढ़ी चावल लिया है, कर्ड राइस लिया है, आलू शिमला मिर्च की सब्जी थी, और ये फुकाशिया ब्रेड है वो मैं ट्राई कर रही हूँ, और सैलड. ओके, मैंने लिया है चिकन का ग्रेवी, राइस, सैलड, पाइनएप्पल, और ये सोन पापड़ी है ना, ये डेजर्ट है. हम लोग मेक श्योर कर रहे हैं कि एवरी टाइम हम लोग लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं तो पहले सलाद खा लेते हैं हम लोग. सो अभी हम स्पा फैसिलिटी का टूर लेने आए थे, और बहुत ह्यूज है फैसिलिटी. अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो एडवांस में बुकिंग करके रखें. और स्पा के अलावा यहाँ पे फेशियल्स है, फिर दूसरे जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर है. बट जो भी ट्रीटमेंट्स है उसके $ में आपको पे करना पड़ेगा. बेसिकली आप जो कार्ड में लोड करोगे वहाँ से ही वो डिडक्ट होगा. और गाइस, ये वाले शिप मेरा काफ़ी बड़ा जकूजी है, आप लिटरली सरप्राइज हो जाएगा. मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा फॉग हो रहा है. अभी जस्ट हम लोग स्पा फैसिलिटी का टूर लेके आए, और मुझे इतना बुरा लग रहा है कि हम लोग स्पा नहीं कर पाएंगे. मैंने इनको बताया कि आप एटलीस्ट कीजिए,
मुझे पीरियड्स है तो मैं नहीं कर सकती। अभी हम टॉप डेक पे रुके हुए हैं और वेट कर रहे हैं शिप सेल करने का, फिर से गोवा का पोर्ट अभी छोड़ देगा और हम कल मॉर्निंग में तो मुंबई पहुंच जाएंगे। तो इनकेस अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप 2 नाइट्स का क्रूज़ भी ले सकते हो मुंबई गोवा का, वो भी अच्छा है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है एक्चुअली। बट कल सिंस हमारा 3 नाइट्स का था तो कल का पूरा दिन हम लोग का सेलिंग वाला था, बट फ्रैंकली स्पीकिंग तो 3-4 डेज का क्रूज तो होना चाहिए, तो आप ऐसे पूरा क्रूज देख पाओगे क्योंकि काफी बड़ा है। इतना स्पीड में जा रहा है ना शिप, 36 किलोमीटर्स के। गुड मॉर्निंग गाइज, वी आर अबाउट टू रीच मुंबई। इनफैक्ट हमें मुंबई का स्काईलाइन ऑलरेडी दिखना शुरू हो चुका है। मन तो नहीं भर रहा है ये व्यू, समंदर के व्यू से, बट घर जाना पड़ेगा क्योंकि 3 दिन का हमारा क्रूज था। ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, स्पेशली हम दोनों को रूम्स बहुत अच्छे लगे। प्लस कल जो हमने शो देखा LED वाला, वो काफ़ी डिफरेंट था, हमने ऐसा शो फर्स्ट टाइम देखा। बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है, तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो वो शो मिस मत करना, फ्री है, आपके पैकेज में वो इंक्लूडेड होगा, आपको एडेड मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा इस क्रूज़ का जो कॉस्टिंग डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा, इंक्लूडिंग एक्सकर्शन का कॉस्टिंग और इंटरनेट पैकेज का। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमने कॉर्डिलिया क्रूज़ को ऑलरेडी कवर किया है, तो अगर आपको वीडियो देखना है तो उसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इन केस अगर आपको इन दोनों क्रूज़ का कंपैरिजन वीडियो देखना होगा तो हमें कमेंट करके बताइए, हम जल्द से जल्द शूट करने का इसे ट्राई करेंगे। आई होप आप सभी ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, अगर किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके हमें ज़रूर पूछिए। बाय गाइज़।